सरकार तो शुरू दिन से ही चौकन्ना है और आप देखिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसे ही शपथ ली थी मुख्यमंत्री के पद की, अपने घर नहीं गए थे, पार्टी कार्यालय नहीं गए थे, तब तक पहला काम किया था उन्होंने वल्लभ भवन और सीएम ऑफिस में जाकर कोविड की मॉनिटरिंग का काम था वो बहुत जरूरी था और उसके परिणाम भी आए। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है ना कि एक अनप्रेसिडेंटेड जो सेकंड वेव आई है उसमें कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत, चाहे पड़ोसी राज्यों को छत्तीसगढ़ को देख ले, चाहे आप राजस्थान को देख ले, छत्तीसगढ़ की स्थिति तो वर्स्ट है। तो मैं ये बातें करना भी नहीं चाहूंगा कि दला दली से की बातें करें, इससे ऊपर उठकर लोगों की जानें बचाने की आवश्यकता है। और आप यही देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने जो प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की है अमूमन तौर पर खुद का जिला या उसके आसपास लगा हुआ जिला दिया है। उसका कारण यह है क्योंकि जो अपना जिला होता है उस पर व्यक्ति माइक्रो मैनेजमेंट कर सकता है और जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो मैक्रो मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, माइक्रो मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है कि वार्ड का पार्षद भी उसको जानता हो, किसी भी दल का हो, वो कांग्रेस का हो या फिर भाजपा का हो या निर्दलीय हो, अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक को हर कोई जानता है। तो यूजुअली क्षेत्रीय विधायक या आसपास के जिले के व्यक्ति को ही प्रभारित किया है। तो ये सब चीज गुलदेव जी, आरोप जो फिरोज जी लगा रहे हैं वो ये है कि सैंपलिंग जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, उसकी दर तुलनात्मक अध्ययन बहुत कम है, तो क्या इसको बढ़ना चाहिए या आपके हिसाब से ठीक हो रही है सैंपलिंग? ये बताइए, एक व्यक्ति का नाम बता दें जिसको लग रहा हो कि उसको कोविड के सिम्टम्स हैं और वो गया हो, उसका टेस्ट नहीं हुआ हो। टेस्ट सबका किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको तो उत्सव के रूप में चलाया जा रहा है। देखिए, पाखंड इसी को कहते हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके छत्तीसगढ़ के खुद स्वास्थ्य मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ICMR और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन का उपयोग नहीं करेंगे, मत भेजिए। उन्होंने कहा था जिसको लगवाना हो अपनी इच्छा अनुसार लगा, उनके जो शब्द कुछ ऐसे थे कि जो जिसको लगाना हो अपने रिस्क पर लगवा ले, और आज ये लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो ये जो पाखंड है ना, ये जनता को ही पसंद नहीं आता। आज आवश्यकता है इस तुच्छ राजनीति के ऊपर उठकर प्रदेश की और देश की जनता के बारे में विचार करें, जो कि सरकार कर रही है।